बॉयज तो सीन ये है यार, बाइक का चेन गई सेट खत्म हो गया है, वो चेंज कराते हैं यार। मैं सोच रहा हूँ कि ना कावासाकी गोटू का देख लूँ और सुजुकी 110 का देख लूँ और 125 का स्टॉक से ना थोड़े से स्टॉक में आते हैं यार, 45 टीट्स आते हैं पिछली गिरारी में, तो अगर उससे कम टीट्स वाली गिरारी मिल जाती है तो यार ये वेल एंड गुड है, तो बाइक की जरा पिक्चर बढ़ जाएगी जरा, समझ रहे हो ना आप। तो अभी वो देखते हैं, बाइक गंदी इतनी हुई हुई है मुल्तान में चूँकि बारिश हुई है 2-3 दिन, तो वो फिर उसके बाद से सर्विस नहीं कराई, कीचड़ कीचड़ हुई है इसकी, अंग अंग में रेत भरी हुई है, तो वो इंशाल्लाह सर्विस सर्विस करवाते हैं। बाकी हैंडल वगैरह पे ये देख लो, ये एक साइड ब्लैक है एक साइड सिल्वर है, जहाँ से इसका पेंट वगैरह उतरा है, जहाँ से रगड़ों में बेचारी खिली है, वहाँ पे दोबारा स्प्रे करना है इसका। बाकी गियर लीवर जो है वो ख़राब हो गया, उसको देखते हैं। ये मीटर के ऊपर देख रहे हो ना ये जो खड्डा बना हुआ है, ये पेपरी में मेरे ख्याल से सही हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। बाकी मिलते हैं आपको यार वर्कशॉप पे, तो मैं आपको प्राइस वगैरह बताता हूँ क्या चल रही है गियर सेट्स की। इसके हमने शॉपर शूपर खोल के फेंक दिए हैं, बारे में आपको दिखाता हूँ यार, ये ओमेगा कंपनी के, इसके ऊपर लिखा तो 30,000 है, तो पता नहीं कितना चलता है, अल्लाह खैर ही करे, 25 भी निकाल दो तो बहुत है। तो यार इसका वेट बाकी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी देखो ठीक है, वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत सही है इसका। दूसरा ये कि इसके अंदर 14 की है छोटी गिरारी, तो हम इसकी गिरारी जो है ये चेंज करेंगे, 14 की जगह 15 की गिरारी डालेंगे आगे। तो यार 125 के इसमें ये पिछली गाड़ी छोटे करने की यार एक तो बिल्कुल छोटी कस्टम है नहीं, 125 की है या कोई और बाइक की है तो 125 की गाड़ी का सीन है कि ना उस पर 5वां गियर आराम से नहीं लगेगा, कोई खींचने के बाद काफ़ी तब जाके लगेगा, तो वो एवरेज के लिए भी सही नहीं है, ऊपर से इंजन के लिए भी सही नहीं है, इंजन भी जवाब दे जाएगा अगर वही चला ही रखा तो एवरेज और इंजन को देखते हुए बताऊँ यही सही ऑप्शन थी कि छोटी अगली गाड़ी छोटी लगा लें, आई मीन एक डांस बड़ी लगेगी पिछली स्टॉक लगेगी, तो ये सूरत हाल है। बाकी बाइक की हशर देखो क्या गंदा हुआ पड़ा है, मिट्टी मिट्टी पड़ी है, अभी जाके इसको सर्विस करवाएंगे। बाकी एक चवली मैंने ये मारी है, ये इस चवली को ठीक करेंगे, जला के जरा जी इसको स्टिकर उतारेंगे, वरना वैसे तो मत मर जानी है, उंगलियों से नोच नोच के उतार देंगे या फ्रच फ्रच के उतारने से। फिर आपको इस 125 का गेड़ा कराता हूँ यार, बड़ा ही कमाल है, बड़ा ही साफ सुथरा है, चेक करो बिल्कुल जेन्युइन। बड़ी प्यारी चीज़ है यार, सही जा रहे हो, एक ये खड़ा है, ये थोड़ा बुलेट स्टाइल में है लेकिन यार ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसका जो क्रोम इसकी शाइन, ये 2010 मॉडल है और बड़े प्यारा बनाया हुआ है बंदे ने,
सेंस क्या होती है ना, एक डिसेंट सेंस बनाने की, उस तरह से पेपरिंग हुई हुई है, उस तरह से स्पीकर हैं। नाइस यार, अपना तो कचरा हुआ पड़ा यार, अपने को भी बनाते हैं। अच्छा तो बाइक का काम वगैरह करवा लिया है, तो ना शक्ल मेरी थोड़ी इग्नोर करना, तो ऐसी हो जाती है यार बाइक चलाओ ना हेलमेट के बगैर तो सब बाल वगैरह सब बिखर जाते हैं। तो बाइक मैं आपको दिखाता हूँ, तो यार आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो वगैरह लाइक कर देना। मैं आपको भी बाइक दिखाता हूँ। आय हाय हाय, कैसी लग रही है बाइक शहजादी यार, ये चबरी मारी है ना मैंने, इसको ज़रा सही करते हैं। एक साइड से वो उतरवा दिया था, उसके पर ग्लू लगी हुई है, तो उसको मिट्टी के तेल या पेट्रोल से साफ़ करते हैं। बाकी अभी ये मैं स्प्रे लेके आया हूँ, दिखाता हूँ। यार ये भी बहुत महंगा हो गया, 350 रुपये का हो गया, 280 से लेना स्टार्ट किया था। यार ये भी टूट गया, इसके ना मसले ही नहीं ख़त्म होते, जब देखो मसले। इसके भी ऐसी जैसी हो गई है, कोई नट शट निकल गए, क्योंकि ये सारा कुछ भी हम जरा डीजल शीजल मार के चमकाते हैं। यार ये जो है इसको भी इग्नोर करना ज़रा, गियर लीवर को भी फारिग लग रहा है। अकी बाइक ओके है, यहाँ से वो लेमिनेशन ख़राब हो गई थी, वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें ये टूट गया था। यार बाइक कमाल लग रही है, जहाँ जहाँ से पेड़ उतरा है वहाँ वहाँ करते हैं ज़रा बाइक की डिटेलिंग वगैरह करते हैं। बाकी बाइक सही लग रही है। तो यार इसके अंदर क्या किया है कि जो अगली गरारी थी वो 15 के डलवाई है। यार मैं कहता हूँ इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, वो ऐसा जो कहते हैं ना कि भाई वो पता चल रहा है जी व्हीलिंग उठा रही है भाई को, पता नहीं क्या आ रहा है। मैं समझ रहा था कि यार खासा फ़र्क होगा, 15 की अगली जो गरारी है वो 15 की है ना, तो स्टॉक 14 की आती थी, तो 15 की डाली है, तो ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन 14 से तो बेहतर ही है, तो उस लिहाज से बस ठीक है। यार पिछली गरारी इस वजह से छोटी नहीं लगवाई, 1/25 नहीं लगवाई, तो एक तो वो गियर पाँचा बड़ा गियर लंबे खींचना था उसने, ऊपर से फिर वो इंजन के लिए भी सही नहीं थी, इंजन भी जान पकड़ता और पेट्रोल की एवरेज भी ऐसी तैसी बच जानी थी, तो वो नहीं लगवाई। बाकी इंशाल्लाह मुझे नहीं, अब बस ये जो पहले मीटर शीटर थोड़ा सा हिला पड़ा है, जहाँ जहाँ से पेड़ उतरा पड़ा है, ये सब करवा के और इसको भी ब्लैक करवा देता हूँ, फिर देखते हैं और क्या करवाना है बाइक के साथ। यार आप एक सब्सक्राइबर करो तो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ड्रिफ्ट कार का प्रोजेक्ट बनाएंगे, पूरे पाकिस्तान में गारंटी के साथ सबसे सस्ता तरीन प्रोजेक्ट होगा, यानी कि सबसे कम पैसों में आपको एक ड्रिफ्ट प्रोजेक्ट बना के दूंगा, जो कि शुरू से लेके काम होगा, स्क्रैप से गाड़ी उठा के तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो बस आप लोग सपोर्ट करो, बस 1000 करवाओ किसी तरह, तो इंशाल्लाह यार। बाकी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, मुझे पता नहीं मैंने क्या करना है, बार जिस तरह भी हो आपको बता दूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।